देख रहा है ना विनोद, मॉल बनाने में ये लोग कितने पेड़ काटे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक दो पेड़ लगा के ये लोग नेचर लवर बन गए हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी मैं आया हूँ अंबुजा सिटी सेंटर मॉल, जो कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको सिटी सेंटर मॉल को घुमाऊंगा और चल के देखते हैं कि ये मॉल क्यों सबसे बड़ा है। आइए चलते हैं और पूरे मॉल को घूमते हैं। तो ये है बिहार का अपना होटल ताज जो नया खुला है, और इसी के बगल में अंबुजा नियोटिया सिटी सेंट्रल मॉल है जो बिहार का सबसे बड़ा मॉल है, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और शानदार लगता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर आते ही आपको ढेर सारे कपड़े के शोरूम्स दिखेंगे, जैसा कि लुइस फिलिप्स, रियर रैबिट्स, मैक्स, और आगे में लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा टाइप की, मतलब कि शोरूम्स देख पा रहे हैं जो कि कपड़े रिलेटेड शोरूम सबसे पहले आपको दिखेंगे। और इस साइड में आप लोग एक हॉल देख सकते हैं, हॉल काफ़ी बड़ा है, और यहाँ साइड में ही एक छोटा सा तालाब है, और तालाब के अंदर में रंग बिरंगी मछलियाँ देख पा रहे होंगे, और यहीं छोटे मोटे पौधे और एक पेड़ छोटा मोटा दिख पा रहे हैं, जिससे ये लोग नेचर लवर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। ऊपर आते ही सबसे पहले शॉपर्स स्टॉप मिलेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर में आपको घर में सजाने रिलेटेड या फिर किचन रिलेटेड या अदर, मतलब कोई भी यूज जो घर में होता है उस रिलेटेड सारे सामान आपको मिल जाएंगे। सामने में लेडीज क्लोथ वेयर भी मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको सुपर स्टॉप्स में अवेलेबल मिलेंगे। और यहाँ पे लाल रंग की चमचमाती हुई एम्बेसडर देख सकते हैं, जिस पे 90s के कुछ सिंगर के फोटो लगे हुए हैं, और इस पे वेस्ट बंगाल का नंबर लगा हुआ है, यानी कि ये वेस्ट बंगाल का गाड़ी है। और यहाँ पे दोस्तों 90s के समय का एम्बेसडर शो के लिए रखा गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें कुछ सिंगर जो कि 90s के जो फेमस सिंगर थे, जैसे कि किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सभी का चित्रण बनाया गया है एम्बेसडर पे। और यहाँ पे दोस्तों डू नॉट टच का बोर्ड लगा हुआ है, इसको आप लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन हालांकि मैं छू दे रहा हूँ। एक बार और छू दिया। और यहाँ पे ऋतिक रोशन का एक स्टैचू बनाया गया है, तो इसको ऊपर चढ़ के अच्छे से देखेंगे। यहाँ से तो थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। और जहाँ में छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देख रहा है ना विनोद, मॉल बनाने में ये लोग कितने पेड़ काटे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक दो पेड़ लगा के ये लोग नेचर लवर बन गए हैं। तो आइए हम लोग और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बुलेट है, जो कि सबसे पुराना मॉडल है, और ये देखने में बाकी बुलेट से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, क्योंकि पुराना जो मॉडल आता थे वो और भी ज़्यादा रॉयल जैसा फील देता था। यहाँ दोस्तों ऋतिक रोशन का एक स्टैचू बना है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ, जो कि गाड़ी में है, लेकिन नीचे जो ऋतिक रोशन का स्टैचू है वो नीचे अपने फैंस को हेलो करते हुए शो किया गया है। तो अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों गेम जोन में, तो आइए पूरे गेम जोन को देखते हैं। और ये टाइम जोन ही गेम जोन है, तो इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले। Thank you.
के अंदर बहुत तरह के आप लोग गेम्स देख सकते हो। हालांकि अभी भीड़ नहीं है, इवनिंग के टाइम में ही आपको भीड़ देखने को मिलेगा। वही अगर आप संडे को आते हो या सैटरडे को आते हो या किसी हॉलीडे दिन आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों स्पोर्ट्स सेक्शन में, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के सामान यहाँ पे उपलब्ध हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग बना है। फाइनली दोस्तों मैं मॉल से बाहर निकल चुका हूँ। सिटी सेंटर मॉल के बगल में ही एक न्यू 5-स्टार होटल खुला है जो कि होटल ताज है। यह भी काफ़ी चर्चा में है और इस पर मैं जल्द ही दोस्तों ब्लॉग बनाऊँगा। और ये ब्लॉग जो है वो अभी मैं कंप्लीट करता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।